हेलो दोस्तों, एमटीएस की बम्पर भर्ती आ गई है दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए वीडियो है दोस्तों। ये वैकेंसी आप ही के लिए है दोस्तों। बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर के आया हूँ दोस्तों, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो आपको अगर पता नहीं है तो कैसे फिल करना है, और ये भी मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूँ, पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी भर्ती की जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आप 10वीं पास है या 10वीं से ऊपर भी पढ़े हैं और आपका एज 18 साल से ऊपर है, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। इससे अच्छा खबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का जन्मेजय क्लासेस पर। दोस्तों, SSC ने रात 12 बजे एक नई नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें साफ साफ लिखा है, SSC MTS प्लस हवलदार की न्यू वैकेंसी, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दिया हूँ दोस्तों। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर उसमें जो नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोटिफिकेशन से लेकर के नई नई भर्तियों की जानकारी प्लस नई नई क्वेश्चन की जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, टोटल पोस्ट 11,409 पदों पे भर्ती होने वाली है दोस्तों। 11,409 पदों पे जो हवलदार के पद के लिए है 529 पोस्ट है, और MTS का 10,880। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है दोस्तों MTS, यानी कि आप अगर 10वीं पास है तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी आई है। और साथ ही साथ इसका अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम फी की बात करें, तो अगर आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट है तो 100 रुपये है। साथ ही साथ अगर आप SC ST और फीमेल कैटेगरी है, चाहे PH कैटेगरी है यानी कि PWD वाले, तो उन सभी के लिए 0 रुपये है दोस्तों। और एज क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर MTS का अगर फॉर्म डालते हैं तो 18 से 25 साल है, ये है दोस्तों जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए, और हवलदार के लिए 18 से 27 साल है। लेकिन अगर आप OBC कैंडिडेट के हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, SC ST है तो आपको 5 साल छूट मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो जनरल से आपको 10 साल की छूट मिलेगी, OBC से 13 साल की, और SC ST से 15 साल की छूट मिलेगी। यानी कि गवर्नमेंट आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधा दी है दोस्तों, और इतनी अच्छी वैकेंसी फिर आपको चांस नहीं मिलेगा दोस्तों 2023 में। इतना पदों पे, इतने ज़्यादा पदों पे भर्ती हो रही है कि पूछो मत दोस्तों। आप लोगों के लिए कितना खुशखबरी की न्यूज़ है। साथ ही साथ आपको अगर बात करूँ दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो ओनली 10th पास है दोस्तों, ये नोटिस करने वाला लायक है दोस्तों। ओनली 10th पास, यानी कि ना तो इसमें कोई क्या बोलते हैं 12th मंगा है, ना तो कंप्यूटर मंगा है, ना तो कुछ मंगा है। अगर आप 10वीं पास है, आपका उम्र 18 साल से ऊपर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बता दूं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ओनली MTS कैंडिडेट के लिए होगा। लेकिन अगर आप हवलदार पदों पे भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि उसमें अगर चयन हो जाते हैं, तो आपको PET और PHT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। PET में लास्ट टाइम क्या हुआ था, साइकिल चलाना पड़ा था, लेकिन इस बार साइकिल चलाना नहीं पड़ेगा, इस बार आपको वॉकिंग यानी कि पैदल चलने का दिया हुआ है। यानी कि पैदल चलना, कितना चलना है ये आगे वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 सीजन में एग्जाम होगा, सीजन 1 सीजन 2, यानी कि एक ही साथ बार होगा लेकिन 2 सीजन में होगा। पहला सीजन में आपको 20 क्वेश्चन आएगा मैथ्स का, 60 60 नंबर का, 45, और रीजनिंग का आएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। दोनों को मिला करके 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि बात करें तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2, अगर आप सीजन 2 में पहला है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का, और इंग्लिश का आएगा 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। यानी कि टोटल आएगा 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और ये मतलब लास्ट टाइम क्या होता था मैथ्स में, मतलब कैंडिडेट पूरा वो हो जाते थे जिनका मैथ्स वीक रहता था उनको, लेकिन इस बार आपको अच्छे चांस है। मैथ्स का नंबर कम कर दिया है, रीजनिंग का नंबर कम कर दिया, लेकिन आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का नंबर बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो ये कितनी अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको PET का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर उसको चलना पड़ेगा, वो भी 15 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों। और फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 20 मिनट का टाइम देगा। साथ ही साथ कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों PHT का, तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट रहेगा
157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगा 81, लेकिन 5 आपको फुलाना पड़ेगा दोस्तों। सेम फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा, लेकिन इसमें लड़कियों का कोई चेस्ट वेस्ट माप ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आपका वजन वजन 48 केजी से ऊपर होना चाहिए। तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए है दोस्तों, इतनी अच्छी भर्ती आप लोगों को नहीं मिलेगी। जिन जिन कैंडिडेट का GDS में नहीं हुआ, जिन जिन कैंडिडेट का रेलवे में नहीं हुआ, जिन जिन कैंडिडेट का बहुत सारी वैकेंसी में जिनमें वो ऑनलाइन फॉर्म डाले थे लेकिन उसमें रिटर्न एग्जाम उनका नहीं निकला, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन फॉर्म डालें, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट का वेट मत करें, आप जल्दी जाइए ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम आप सबको पता है कि सर्वर कैसा होता है, तो ये बात आप लोगों के लिए जानकारी अपने माइंड में रख लेना है कि लास्ट तक हमको वेट नहीं करना है, अभी से हम जा करके फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो ज़रूर बहुत फायदा मिलेगा इससे। साथ ही साथ आप तैयारी कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको MTS से लेकर के बहुत सारी क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं वीडियो में भी अपना यूट्यूब चैनल पर भी ये अपलोड करूंगा कुछ कुछ क्वेश्चन, और साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की। तो चलिए एक और आप बात आपको बता दूं दोस्तों, इसमें इतनी सारी 11,409 यानी कि, और अभी आप लोगों को बता दूं इतनी बड़ी भर्ती किसी भी विभाग में नहीं आई है। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, ये SSC के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फटाफट प्रक्रिया हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं जस्ट चुनाव आने वाली है। बहुत सारे राज्यों में क्या है 2023 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव स्टार्ट है, लेकिन बहुत सारे राज्य, बहुत सारे क्या बोलते हैं, लोकसभा का चुनाव कब है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव कब है, वो है अप्रैल में। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा बहुत वैकेंसी लेगी ताकि उनके फेवर में उनको वोट मिले, ये सभी कारण हो जो वैसे इसके बाद आपको सीधा 4 साल या 5 साल बाद ऐसा मौका मिलेगा दोस्तों, लास्ट टाइम चुनाव के बाद, यानी कि जब चुनाव होगा तब। लेकिन इस बार आपको अभी ये मौका है दोस्तों, 1 साल के अंदर में बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, बहुत फटाफट प्रक्रिया होगा ताकि जल्दी जल्दी ज्वाइन हो। यानी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी क्या बोलते हैं 15 अगस्त के दिन भी ये वो बोला था कि बहुत सारी वैकेंसी बहुत सारी भर्तियां लेंगे, सेम उसी के कारण इतने जल्दी जल्दी भर्तियां वैकेंसी आते जा रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूँ SSC की और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसका मैंने एग्जाम कैलेंडर अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल दिया हूँ दोस्तों, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं कौन कौन सा पदों पर भर्ती आने वाली है ये सभी में। और इससे पहले एक और वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे परिवार से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए जल्दी, क्योंकि इस परिवार में आपको नई नई जानकारियाँ कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है ये सब आपको जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए